Assalamualaikum. आज मैं आपके साथ रमजान के हवाले से समोसे रोल की पट्टियों की रेसिपी लेके आई हूँ. इसे जरूर ट्राई करें. मेरी रेसिपी आपको पसंद आए इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. चलें बनाना शुरू करते हैं. इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा, 1/2 टेबल स्पून नमक और इसे सादे पानी से गून लेंगे. तो हमने तैयार कर लिए. अब इसे हम 30 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद हम इसकी पट्टियां तैयार करेंगे. 2 बना के रखे हुए हमें 30 मिनट गुजर चुके हैं. अब इसके हम पेड़े बनाते हैं. अब इसकी हम रोटी बेलते हैं. ये 1 रोटी हमने बेल दी है. अब इसे हम रख देंगे प्लेट में और इसी तरीके की हम एक ही साइज की 3 रोटियां बेल लेते हैं. 3 रोटियां मैंने इस तरह बेल ली हैं. अब हम पहले नीचे मैदा डस्ट करते हैं. इसके ऊपर ये रोटी हम रखेंगे. इसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे. ऑयल को पूरी रोटी पे अच्छी तरीके से फैला लें. अब इसके ऊपर मैदा डस्ट करें. इसके ऊपर दूसरी रोटी और फिर उसी तरीके से ऑयल लगाएंगे हम. इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे. ये भी फैला लें अच्छी तरीके से. फिर इसके ऊपर हम तीसरी रोटी रखेंगे और इसके ऊपर सिर्फ मैदा डस्ट करेंगे. अब हमें ऑयल नहीं लगाना और इसको बेल लेते हैं. देखें इसे मैंने खूब बड़ा सा बेल लिया है. अब इसे हम सेक लेते हैं. तवे को मैंने हल्का गर्म कर दिया है. अब इस पे हम ये रोटी डालते हैं. इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे आप सेकें. इसे पलट देते हैं ताकि ये दूसरी साइड से भी सिक जाए हल्का. ये देखें ये ऐसी खुलना शुरू हो गई है. लेकिन हम अभी इसे थोड़ा सा और सेक लेते हैं ताकि ये आसानी से खुल जाए. ये सिक गई है. अब इसे हम तवे से उतार लेते हैं और इसे फौरन खोल लेते हैं क्योंकि इसे गर्म ही गर्म खोलना होगी. अगर ये ठंडी हो गई तो ये खुलेगी नहीं. ये देखें कितनी आसानी से उतर गई. इसी तरह हम दूसरी भी उतार लेते हैं. अगर आपको लगे ये कहीं से चिपक रही है और खुल नहीं रही तो आप थोड़ा सा इसे और सेक लें. ये देखें कितनी आसानी से खुल गई है. मैं स्केल रख के इसकी कटिंग करूंगी ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग. देखें ऐसे ही हम यहां से भी काट लेते हैं. ये देखें रोल की पट्टी तैयार है. समोसे की बनाना है तो आप इसको
बीच से और हाफ करने। ये देखें, ये समोसे की पट्टी तैयार हो गई है। पट्टियां तैयार हो गई हैं। देखें 2 कप मैदा में कितनी सारी पट्टियां तैयार हुई हैं और एकदम सॉफ्ट और बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से आप इसे घर में बनाएं।